15 अगस्त यानी कि अंग्रेज़ों की 200 साल की गुलामी से आज़ादी, और आज इस आज़ादी को 76 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि देश आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस बार स्वतंत्रता दिवस की थीम है राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। ये दिन भारत के नागरिकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वह दिन है जो हमें स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। आज के वीडियो में जानेंगे उन कहानियों के बारे में जिन्होंने अंग्रेजों के चने चपवा दिए। क्या आप नाना साहिब पेशावर के बारे में जानते हैं? ये वही हैं जिन्हें जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने पर 1,00,000 रुपए का इनाम था। 1857 की क्रांति में नाना साहिब ने खुद को पेशावा घोषित कर दिया। उन्होंने 80,00,000 की पेंशन को ठोकर मारकर नाना अंग्रेजी हुकूमत के सामने डट गए। 1858 में अंग्रेजी हुकूमत ने अपने इस दुश्मन नंबर वन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 1,00,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। आम जनता को इसकी इख्तला देने के लिए बाकायदा इश्तहार छपवाए गए थे। रानी लक्ष्मीबाई ने किसको भेजा था सोने का पत्र? झांसी बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने सोने का पत्र लिखा। उन्होंने फारसी में एक खत ऑस्ट्रेलियन वकील जॉन लैंग को लिखा था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टॉनी एबट को 2014 में भेंट किया था। अपनी तलवार से ही काटा खुद का हाथ। वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों को हराने के लिए माँ गंगा के सामने अपनी तलवार से अपनी बाजू काट दी थी। दरअसल वीर कुंवर सिंह की नाव पर रात के अंधेरे में अंग्रेजी जर्नल डलगस ने हमला कर दिया था, और उस हमले में उनकी बाईं हाथ में गोली लगी थी। गोली लगने की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहे थे। उन्होंने वक्त गंवाए बिना अपना बायां हाथ काट दिया, क्योंकि ऐसा ना करते तो उनके पूरे शरीर में जहर फैल जाता, वहीं पर जंग ख़त्म हो जाती। हाथ काटने के बाद वीर कुंवर ने अंग्रेज़ों को चने चपवा दिए, और उन्होंने अंग्रेज़ों को 7 बार हराया। हाथ में भगवद गीता रख कर फांसी पर चढ़ने वाला क्रांतिकारी। 18 साल का क्रांतिकारी खुदीराम बोस हाथ में भगवद गीता रख कर फांसी पर चढ़ गया था। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद देश सुलग रहा था। खुदीराम बोस ने 9वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ी और रेवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बन गए। 1907 में बंगाल के नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बम धमाका किया। अंग्रेजी अफसर किंग फोर्ड्स की बग्गी में बम भी खुद रखा, राम बोस ने ही फेंका था। 18 साल की उम्र में जब खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ाया गया तो बोस के हाथ में भगवद गीता थी। भगत सिंह जिस क्रांतिकारी को मानते थे अपना आदर्श, 19.5 साल का वो क्रांतिकारी जिसे भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे, उस करतार सिंह सराभा ने 7 समुद्र पार अमेरिका में अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी थी। कनाडा और अमेरिका में रह रहे 8,000 भारतीयों को मिलाकर गदर की शुरुआत की। भारत को आज़ाद करने के लिए 20वीं सदी का ये पहला सशस्त्र विरोध था। 16 नवंबर 1915 को लाहौर जेल में करतार सिंह सराभा को फांसी दी गई थी। आपको इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वो कहानियां हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, और आज स्वतंत्रता दिवस पर हम इन सेनानियों को याद कर रहे हैं। आप किस तरीके से अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और आप ऐसी किन और कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फ़िलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।